और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी भी पहुंचे हैं उत्तराखंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच जाएंगे। तो भव्य तैयारियां वहां की गई हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इनका भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम 25 तारीख को होना है, लेकिन उससे पहले आज का दिन क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है और हाथ लाकर फिर यहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए वो नजर आए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे हैं और जब वो उत्तराखंड पहुंचे ये उस वक्त की तस्वीर, कुछ पल पहले की तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच गए हैं, नितिन गडकरी यहां पर पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और बड़े चेहरे, बड़े नाम जो है वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि 25 तारीख को शपथ लेंगे, दूसरी तरफ आप देखिए पुष्कर सिंह धामी जिनका आज शपथ वो लेने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण है और आज का ये कार्यक्रम भव्य बनाने की यहां पर कोशिश। और ये देखिए यहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं पुष्कर धामी, पहले तस्वीर योगी आदित्यनाथ की जब योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे ये उस वक्त की तस्वीर, कुछ पल पहले की तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए पुष्कर सिंह धामी जो कि शपथ लेंगे आज मुख्यमंत्री पद की। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दोनों ही राज्य, देखिए ये दोनों तस्वीरें ऐतिहासिक गवाह आप बन रहे हैं इस तस्वीर के, क्योंकि दोनों ही राज्यों में इस बार इतिहास रचा गया है। उत्तराखंड में हमेशा 5 साल बाद सरकार बदलती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ही शानदार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम मिथकों को तोड़ते हुए, इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है और 37 साल बाद इतिहास रचा गया है। और योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा से शपथ ग्रहण करेंगे। तो दोनों ही राज्य जहां पर इतिहास इस बार रचा गया है और दोनों ही राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत दर्ज की। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को दे देते हैं। हिमाचल और हरियाणा के सीएम पहुंचे हैं उत्तराखंड, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंची है उत्तराखंड, धामी के शपथ ग्रहण समारोह का वो भी हिस्सा बनेंगी। तो बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर अपडेट क्या है, हिमाचल और हरियाणा के सीएम यहां पर पहुंच गए हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। तो धामी का शपथ ग्रहण समारोह और उसमें हिस्सा लेने के लिए उसमें जिन जिन को न्योता दिया गया था वो बड़े नाम, बड़े चेहरे यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसी कड़ी में हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो उत्तराखंड पहुंच गए हैं, तस्वीरें देखिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपके जरूरत की सभी खबरें।